ओ मम्मी मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं, इधर से चलो। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलतफहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलतफहमी जो बनी है, सांस ली जा रही मुझको। मुझे निकल लो कहा था। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, सुन कभी आए मेरी। हाँ पैर फिसला तो ये देखो, कोई पता नहीं कहाँ जाऊंगा। तेरी सुन कभी आए मेरी, ये कैसे मैं बताऊं, तुझे सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी। वैसे तो ये एक इजी ट्रैक था जिसकी कहानी मेरे घर से शुरू होती है, लेकिन मैं लास्ट के 5 किलोमीटर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, डेडिकेशन, पेशेंस, बॉन्ड, फ्रेंडशिप, दिस आर नॉट जस्ट वर्ड बट इट इज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन वंस लाइफ, ताकि जो गलतियाँ मैंने इस ट्रैक पर करी वो आप ना करें और टीम वर्क कैसे होता है वो देखें। तो इस ट्रैक पे मेरे साथ थे दिव्यांशु भाई, जो पेशे से एक लॉन्ग राइडर है, जो लंबी लंबी राइड करते हैं, और उनके साथ थे उनके 2 क्यूट से कज़न जिनके साथ मुझे बहुत मजा आया और हमने बहुत मस्ती करी। करीब जाके ये मैंने पूछा, ऐसी खूबसूरती क्या और है कहीं, ऐसी सादगी बता दे है भी या नहीं। नहीं 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 नहीं, चांद ने कहा नहीं 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 नहीं, मुस्कुरा। तो हमारा सफर शुरू होता है पातर नाचने से, बहुत ही प्यारे व्यू के साथ और सुबह के पहले ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये सुबह की हमारी पहली मील है मैगी, क्योंकि हमारे पे इतना टाइम है नहीं कि कुछ और बनाए, क्योंकि हो क्या रहा है ना, यहाँ पर जो फ्लेम है वो उससे खाना पक ही नहीं रहा है, इतना टाइम लग जा रहा है। और ये अपने साथ वाले देखो पानी लेके आ रहा है, सामने त्रिशूल है, फॉग लगाए, फॉग लगते रहेगा, हमें जल्दी निकल लो रूप करने के लिए। हम रूप मतलब आज हमारा 3रा दिन है और नाचनी पातनी इसका नाम है, यहाँ से हम रूप जाएंगे आज। 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर हमें बर्फ मिल जाएगी। तो ये जो जगह है ये है नाचनी पातनी और यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। है चैनल का भी तो ऐसी कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या बोलते हैं, हाँ 6 किलोमीटर का ट्रैक है और 3 किलोमीटर बाद हमें बर्फ मिल जाएगी। और अपने लड़के देखो फिर ढीले पीछे रह गए, उन्हें खाना चाहिए, बोलते पहले भैया खाना फिर जाके कुछ और काम, तो अभी लपेट रहे। मैं तो उठा, फ्रेश वेश हुआ, पानी लेके आया, बर्तन धोए और पानी भी लेके आया, इतने दूर से पानी लेके आया, और अपना मैगी लपेटी, सीधे ट्रैक को स्टार्ट। मैंने कहा तुम आते रहो, मैं तब तक ये जो चढ़ाई है ये पार कर लूँगा। तो ये मेरी पहली गलती थी कि मैं अपनी टीम वालों के लिए नहीं रुका और आगे चले गया, लेकिन इसका एक छोटा सा रीज़न था। वो रीज़न ये था, अगर आप व्लॉगिंग के साथ साथ ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ व्लॉगिंग करते हो तो आपको आगे ही रहना होगा थोड़ी, क्योंकि तभी आप व्लॉगिंग कर पाओगे। अगर आप व्लॉगिंग और ट्रैकिंग साथ साथ करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा आगे गया था, ज़्यादा आगे नहीं गया था। तो अब आपको हम मिलते सीधे कालू विनायक पे, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप ट्रैकिंग में ऐसा कभी मत करना, अपनी टीम वालों को बिल्कुल मत छोड़ना व्लॉगिंग के लिए।
तो ये है शायद कालू विनायक मंदिर, ये टॉप है यहाँ का। तो ज़्यादा 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर होगा। तो ये भगवान का मंदिर है और ये सामने पिक दिख रही है, शायद त्रिशूल होगी, पिक ही पिक है यहाँ पे। और ये अपना मुझे नहीं पता कौन सा पिक है, लेकिन अभी पूछेंगे यार। हम यहाँ पर भी तो टेंट लगा सकते थे नीचे, हाँ पानी की दिक्कत। तो पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, अपने दोस्तों का वेट करते हैं, फिर वो मुझसे बोलेंगे तुम रुकते नहीं हो। तो जैसे ही मेरे दोस्त मुझे नीचे से आते हुए दिखते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसलिए बढ़ता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से उनका वेट कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि पसीने से जो पसीना था और हवा चली थी, मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं हल्की हल्की स्पीड में आगे बढ़ता हूँ। ट्रैकिंग का रूल है, अगर आप ज़्यादा वेट करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी ठंडी होगी और फिर चलोगे तो जल्दी गर्म, जिस वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। इसलिए मैं हल्के हल्के आगे बढ़ता हूँ और पहुँचता हूँ ऐसी जगह जहाँ मुझे एक नई टीम मिलती है। पर मुझे भी कुछ भाई लोग मिले जो थोड़ा डर रहे हैं रुकुन जाने में, पता नहीं क्यों। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। एक टॉप आता है वहां से भी रुकुन दिख जाता है, वैसे भी रुकुन जमा हुआ है लेकिन फिर भी ऊपर है। तो एक भाई हिम्मत करके आ रहे हैं मेरे साथ, वो नहीं आ रहे ना, चलो हम चलते हैं। तो अब आ चुका ट्रैक का वो हिस्सा जहाँ मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ, अपने टीम वालों पे भरोसा ना करके। मैं पहुँच जाता हूँ भगवा भूसा जो रूपकुंड का आखिरी बेस कैंप होता है और जहाँ मुझे मिलती है एक नई टीम जो पहले से ही वहाँ रुकी होती है रूपकुंड जाने के लिए, लेकिन बर्फ़ देख के उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। लेकिन उनमें से एक बंदा जो बहुत ही जोशीला, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, वो मुझसे बोलता है कि मैं आपके साथ आऊँगा, आप चलो हम करके आते हैं। उनके चार बंदे पहले तो मान जाते हैं लेकिन वो पानी पीने के बहाना करके पीछे ही रुक जाते हैं। सिर्फ एक बंदा मेरे साथ चलता है तो मुझे एक सहारा जैसा मिल जाता है। फिर मैं पीछे मुड़ के अपनी टीम को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो थक गए होंगे, अगर आगे जाने का नहीं हो पाए तो मैं उनको पीछे ही रोक दूंगा और हमारा टाइम बचेगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो मेरी सबसे बड़ी भूल होती है। गाइस अब जो ट्रैक हो चुका है वो हो चुका हार्ड, हमको ऐसे पैचेस मिलने लगे हैं जहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, लग रहा है ना भाई। अब देखो बिल्कुल हाँ, लोग बोलते थे रुकुंड हार्ड ट्रैक है, वो है लेकिन तब जब यहाँ स्नो हो, और हम स्नो में ही चल रहे हैं अभी। इसका मतलब ये ट्रैक मार्च और अप्रैल में करने लायक नहीं है, जून में ही हो सकता है। ये देखो ऐसे पैचेस बहुत टफ होते हैं, मैंने एक गलती करी, बस मैं स्टिक लाना भूल गया। हमारा भाई यहाँ पर ब्लॉगिंग करते करते चल रहा है, बर्फ अच्छी है। हाँ हाँ देखो अब मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया है कि बर्फ अच्छी है, बर्फ अच्छी है, आ जाओ, बढ़िया बर्फ है। लोग रुकुन करते हैं तब जब इसका पीक टाइम नहीं होता, कहने का मतलब होता है ऊपर पानी नहीं होता, बिल्कुल सब सूख चुका होता है, बर्फ़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि त्रिशूल पर्वत पे भी बर्फ़ नहीं होती है, तब लोग यहाँ पे तब इसको करते हैं। लेकिन जो इसका मेन टाइम है वो अभी है, मार्च में पॉसिबल है ही नहीं, अप्रैल में पॉसिबल नहीं, जून मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा है, जिसके बाद पूरे इक्विपमेंट नहीं है ना वो भी कर सकता है। अभी तो ऊपर जाके पता चलेगा भाई क्या सीन है। नीचे से देखो बादल आ रहे, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू, लेकिन इतने भी नहीं कि हमारा व्यू जी छोप दे। अब ये ट्रैक बहुत टफ हो चुका है, बहुत टफ। सामने पे रुकुंड, मेरे साथ जो एक भैया आ रहे थे वो भी मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं क्या है, मैं फिर से अकेला हो गया हूँ यार। ये देख रहे हो रास्ता, मैंने सबसे बड़ी गलती करी यार, मैं इक्विपमेंट नहीं लाया जी। अब मैं काम करूँगा, इस बोतल के सहारे जाऊँगा, देखना कैसे।
ओ भाई साहब, मेरे को कहाँ जाऊंगा अगर मैं गिरा था? दोस्तों अब तो हद ही पार हो गई यार, हम 7 से 8 लोग चढ़े थे, 5 तो नीचे रह गए, 3 का पता नहीं, 1 मेरे जस्ट पीछे था वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। भैया यार मुझे डर लग रही हो, गिर गुर ना गए हो यार, मैं आगे आ गया। मैंने उनसे बोला साथ चलते, लेकिन उन्होंने बोला तुम अपनी स्पीड में चलो मेरे साथ साथ, नहीं तो तुम भी थकोगे और जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि चल नहीं पा रहे हो वहाँ पर रुकना। लेकिन मैं चल ले रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे दूर दूर तक यार, वो फिसल ना गए हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेस ऐसे हैं पाँव फिसला तो तुम ग्लेशियर के अंदर जा सकते हो। और मुझे जल्दी क्यों हो रही है, ये देखो फॉग, अगर ये फॉग हमसे पहले ऊपर पहुंच गया ना कोई फायदा नहीं ऊपर जाने का। बहुत ही पीछे यार, ये देखो कैसा रास्ता आ गया है, बिल्कुल हार्ड वाला। पता नहीं क्यों मैं अकेले चल रहा हूँ, नीचे को आते समय पता नहीं क्या होगा। ऑक्सीजन का बोरी बहुत ज़्यादा। अभी आज से सीन ये है कि लास्ट बंदा जो पीछे से आ रहा था मेरे, उसने भी हार मान ली है, उसने मुझे आवाज़ लगाई 2-3, मैंने बोला ऊपर का और वो वापस चले गया। उसने ये भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, शायद क्या पता चिल्ला के बोल रहा हूँ मत जाओ। अब देखो ये सबसे डिफिकल्ट इसका रूट आ चुका है, मैं कोशिश करूँगा फिर भी यार, मैं जा रहा हूँ देखता हूँ क्या होता है। एक मन तो कर रहा पीछे का बैग नीचे यहीं रख जाऊँ, फिर नहीं यार उसमें मेरा DSLR वगैरह है, ले जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर ऊपर पहुँच गया तो फोटो भी तो ज़रूरी है। मैं रुपकुंड के टॉप पे तो पहुंच गया हूँ, बस 100 मीटर और रह गया और रास्ता पूरा खराब है। दोस्तों अब कहानी का ट्रैक का वो हिस्सा आ चुका था जो सबसे टफ था। यहाँ पे बिल्कुल रास्ता सीधा खड़ा था और ऊपर बर्फ थी। मैंने रुक के सांस लेके पीछे को अपने दोस्तों को देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऊपर चढ़ूँ और करके आ जाऊँ, या फिर मैं अपने दोस्तों का वेट करूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों का वेट करता हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और मुझे ठंडा लगने लग गया था, जिस वजह से मैं ज़्यादा डर रहा था और ज़्यादा हाँफ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ वाले आएंगे या नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये मेरी एक और गलती होती है, जैसे मैं थोड़ी आगे जाता हूँ मैं अपना GoPro वगैरह सब बैग में रख लेता हूँ, मेरे दोनों पाँव बर्फ के इतने अंदर चले जाते हैं कि मेरा आधा शरीर ऊपर होता है, दोनों टांग नीचे, मतलब दोनों पाँव बर्फ़ के नीचे होते हैं। मैं थोड़ी देर तक वैसे ही फंसा रहता हूँ और फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की, और मैं रेंग रेंग के चारों हाथ पांव चला के ऊपर पहुँचता हूँ, लेकिन पहुँच जाता हूँ। गाइस मैं बता नहीं सकता मैं कैसा आया हूँ यार, लेट लेट के चढ़ चढ़ के मेरे ये जो हाथ पर सुन्न हो गया है। पिछले लोगों ने कहा ये टाइम नहीं है अभी रुकपुर जाने का, अगर जाना है तो गाइड करो, प्रॉपर इक्विपमेंट दो। 9 लोग आए थे हम और सिर्फ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी तक। आप देखो चारों तरफ भाई ये रुपकुंड है, लग नहीं जाता है। एक टाइम ऐसा था कि मैं पूरा अंदर घुस गया था बर्फ के और मुझको निकालने वाला भी कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे करके निकला था, ये मैंने अपना GoPro उसके अंदर इसलिए रख दिया था कि बहुत रिस्क था, लेकिन फाइनली मैंने रुपकुंड कर लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। ये देखो ये नीचे अपनी रुपकुंड है। ओ भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आया हूँ यार, बता नहीं सकता भाई कि पता रुकपुर तुम इजली कर लोगे, लेकिन तब जब यहाँ पानी नहीं होता है और बर्फ नहीं होती है, मैंने पीक टाइम पे किया है, फिर उसने लेक आप बोल सकते हो। भाई साहब मैं अब आपको दिखाता हूँ कहाँ से आया हूँ। सिर्फ नौ मैं
अकेला यहाँ पे पहुंचा हूँ। 9 लोग थे मेरे साथ। अब सबसे बड़ा टास्क है मेरा, मुझे नीचे जाना है। लेकिन मैं यार पे बहुत मेहनत लगी थी, मैं ज्यादा नीचे रिस्क हो रहा है। अब देख सकते हो मेरी घाटी है, तो जाते समय दिखाऊंगा। मेरी कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने सोलो ये ट्रैक किया अकेले, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं किया। थोड़ा ओवर स्मार्ट मैं बना और थोड़ा जल्दी जल्दी चला। कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां करी थी कि मेरी जान भी जा सकती थी, जो आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, अपने दोस्तों का वेट करूँ या नहीं करूँ। लेकिन जब मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे दो दोस्त बहुत अच्छा टीम वर्क करके, रोप वोप बात के, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ इसको ईजिली करके आते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उन्होंने भी ये करा। लेकिन जो इससे पहले की टीम आई थी, जिसमें 5 से 6 लोग थे शायद, वो लोग इसको नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो ये दिन था, इसमें मैं पहला बंदा था जो अकेले यहाँ चढ़ा था, फिर मेरी टीम वाले, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। तो ये ब्लॉग इतना ही था। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम का साथ कभी मत छोड़ो अगर आप ऐसे ट्रैक कर रहे हो तो, और मेरी तरह कभी ओवर स्मार्ट मत बनो। तो नीचे की उतरने की भी अपनी अलग कहानी है, जो कभी और दिन मैं आपको दिखाऊँगा। बाय बाय।